बैतुल्ला में देखो यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अतहर पे खड़े होकर सलाम भी नहीं पढ़ा जाता तमीज से लोगों से। यार कितनी ऊंची जगह है, कितनी बड़ी बड़ा मकाम है वो, वहां खड़े हो, किसके दरबार में गए हुए हो? सारी तवज्जो सय्यदुल अंबिया की तरफ रखो। अल्लाह ने हमें किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया? जब हम रोजे पे खड़े होते हैं जिंदगी में सय्यदुल अंबिया के करीब हमें इससे ज्यादा मौका नहीं मिलता। उस वक्त हम सबसे ज्यादा सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते हैं, वो भी अपनी शोबाजियों में यूं सेल्फी। मुझे तो वहां बहुत डर लगता है कि वहां क्या कर रहे भाई तू। तमीज से आप सलाम पेश करो। लोगों में बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, जिसने देखना होगा देख लेंगे। और बैतुल्ला में भी यही, तवाफ के दौरान यूं करके बना रहा है वीडियो, यूं करके बना रहा है। भाई तू अल्लाह का घर है सामने। कैसी कैसी चीखें निकलती थी लोगों की जब पहले जमाने में लंबे लंबे सफर करके जाते थे और बैतुल्ला पे नजर पड़ती थी, बेहोश हो जाते थे लोग। हिस्ट्री में, तारीख में कैसे वाकयात हैं, अल्लाह का घर देखा है भाई, बेहोश हो जाते थे लोग। सारी कैफियात लोगों की खत्म। मुझे भी याद है मैं 2013 में गया ना, कैसे ही बाज लोगों में चीखो पुकार थी। उस वक्त इतना ज्यादा कैमरे का इस्तेमाल नहीं था, ऐसे जज्बात। अब जाओ तो एक एंटरटेनमेंट बन गया है हर आदमी वहां बैतुल्ला। और फिर ऐसे तवाफ के दौरान फजूल बातें। यार मैं तवाफ कर रहा होता हूं ना पीछे, अरे मुफ्ती साहब खैरियत, अरे भाई क्या कर रहा है भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है, तू कैसे क्या कर रहा है यहां पे खड़े होकर? तुम खुद तवाफ नहीं कर सकते, हमें तो करने दो, बाद में मुलाकात कर लेना। किस कदर यानी मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है। कोई भी सेलिब्रिटी, अरे अरे भाई, अरे इस तरह की बातें यार, तुम अभी तुम इसको देखने नहीं आए हो, तुम देखने आए हो अल्लाह के घर को, अभी उधर तवज्जो रखो। अल्लाह को गजब आएगा कि मुझसे भी बड़ा कोई है जिसकी तरफ तू देख रहा है। तवाफ मुकम्मल कर लो, फिर उसके बाद आप सेल्फी भी ले लो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वाकई सच्ची मुच्ची का हज करके आया, एक यादगार रह जाएगी। ठीक है, लोगों की, इंसान की नेचर है कि बड़े मकामात की यादगार महफूज रखना चाहता है। आप तवाफ कर ले तसल्ली से, उसके बाद फिर आप खड़े होकर अपनी सेल्फियां